गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज ये वीडियो नंबर 116 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई किन चीजों से इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है और कैश फ्लो स्टार्ट करने से पहले हमें आना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे किस तरीके से आया जाता है, ये सारी चीजें हमने पिछले वाली वीडियो में देखी। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जब हम कैश फ्लो देखेंगे तो मेक श्योर कि सारी वीडियोस देखी हुई हों। 114 से स्टार्ट है, तीसरी वीडियो है कैश फ्लो की, सो ये तीनों वीडियो देखी होंगी तभी समझ में आएगा। बीच बीच में से गैप देके देखना कोई सेंस नहीं है। देखो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वर्किंग नोट के बाद क्या होता है। हमने अभी ये देख लिया कि क्योंकि हम कैश फ्लो कहां से करते हैं, हम कैश फ्लो करते हैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना डिफरेंस है उसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें लेस होती हैं, वो हमने देखा था कल, उसके रीजन भी पड़े थे क्यों होता है। ये चारों चीजें थी जो ऐड हो रही थी और एक चीज लेस होती थी, इससे आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार इस चीज को वापस से देख लेते हैं। यहां आता है सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीएनएल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहां प्रोविजन फॉर टैक्स आता है कहां का, करंट ईयर। इस साल का जो प्रोविजन है वो ऐड होता है, क्यों, क्योंकि वो अगले साल का टैक्स है। इस साल तो सिर्फ प्रोविजन है जो कि कंपनी के पास ही रुका रहेगा, इसलिए नो फ्लो ऑफ कैश। इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, उसके बाद क्योंकि इंटरिम डिविडेंड यहां का नहीं है, फाइनेंसिंग का है, रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करा क्योंकि कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर, इस साल जो डिविडेंड प्रपोज किया गया है कि जो देने वाले हैं, दिया तो नहीं इसलिए यहां का डिविडेंड है फाइनेंसिंग का, वहां देखेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स, वो यहां लेस हो जाता है। इससे हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आज हम पढ़ेंगे कि भाई हम यहां तो आ गए, अब इसके बाद आगे क्या करना है। यानी हमें नेट प्रॉफिट मिला था, हम नेट प्रॉफिट से वहां आ गए कि भाई टैक्स देने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट था। अब हमें क्या करना है, अब एक कैटेगरी हमारी होगी जहां पे हम नॉन कैश आइटम्स को हटाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग वालों को हटाएंगे और फिर कैटेगराइज करते जाएंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में एक्टिविटीज को। कैसे करना है वो सारी चीज आज मैं स्टूडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कैश फ्लो का फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को लेके। देख अब हमने क्या करा है, हमने फॉर्मेट बनाया है, हम यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, हमने जो वर्किंग नोट बनाया था ना उसका जो आंसर आएगा वो हमने यहां स्टार्ट करा है। अब मैं क्या करने वाला हूं समझना इस चीज को, हम कहां पे थे, नेट प्रॉफिट पे थे। नेट प्रॉफिट का मतलब हमने इसमें से सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस हटा चुके हैं और जोड़ चुके हैं, जो करना है कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, हम पहले आए कि भाई टैक्स देने से पहले क्या खेलता वो करो, तो टैक्स देने से पहले आ गए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गए। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं सबसे पहला काम क्या है, अब हम सबसे पहले वो चीजों को हटाएंगे जिनसे कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नॉन कैश आइटम्स। हमने पढ़ाया भाई कि भाई नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, भले वो कैश से रिलेटेड हो या ना हो, फ्यूचर एक्सपेंसेस हो जो इस साल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हुए या कुछ भी हुआ, वो सब आते हैं नेट प्रॉफिट में, बट कैश फ्लो में तो सिर्फ कैश वाले आते हैं। तो अभी हम वो एक्सपेंसेस को गायब करेंगे जो कि नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहे थे बट कैश फ्लो को इंपैक्ट नहीं करते। साथ साथ इसके साथ साथ एक चीज और करेंगे, एक चीज हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि नेट प्रॉफिट बनाते टाइम हमने ये नहीं लिखा था कि भाई ये ऑपरेटिंग का है, ये इन्वेस्टिंग है, इलेवेंथ में कुछ नहीं पढ़ा था हमने, हमने तो जो एक्सपेंसेस सारे भरते जाओ। तो अब हम क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, फॉर एग्जाम्पल जो ऑपरेटिंग के नहीं है, हम उनको अभी हटाते हैं। क्यों, क्योंकि जब उनका बारी आएगी तब उनको जोड़ना है। अभी क्या करो, बाहर निकालो सारे सबको, उसके बाद जब उनकी नंबर आएगा तब आओ ऑफलाइन से। तो हमें क्या करना है, एक तो नॉन कैश जो काम के नहीं है उनको हटा दो, और जो नॉन ऑपरेटिंग है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो यहां का नहीं है। क्यों, फिक्स्ड एसेट्स कहां के है भाई, वो तो फाइनेंसिंग है, ओ इन्वेस्टिंग है, तो वहां आने वाला है ना, वो वहां जो सेलिंग का प्राइस है उसमें प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, तो हम यहां क्यों लिखें, तो हम क्या करेंगे उसको गायब करेंगे। हमारी चीज है यहां पे, और हम क्या करने वाले हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को ऊपर नीचे करने वाले हैं। तो देखते हैं, देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले सबसे फेमस नॉन कैश आइटम कौन सा है बताओ, जिससे कैश में कोई फर्क नहीं पड़ता पर नुकसान होता है, कौन सा है,
डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम किसको ऐड करने वाले हैं यहां पे? डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहां लिख दे, चाहो तो आप यहां लिख दो, पर हमसे कोई चिंता नहीं। अब एक चीज समझना, यहां पर मैंने एक गलती करी है, वो गलती आपको नहीं करनी। कौन सी वाली? ये, अगर यहां आपने एड लिख दिया है तो यहां प्लस का साइन नहीं बनाना है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और देखो और क्या चीज है, और कौन सा नॉन कैश है। कल मैंने एक बताया था कि भाई अगर मेरा पीवीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ जाता है तो इसका मतलब मैंने रिजर्व बना लिया है डेटर्स के लिए, जिससे प्रॉफिट कम हो गया पर कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो भी हम वापस से ऐड करेंगे प्रॉफिट में। तो क्या ऐड करना है? इंक्रीज इन पीवीडी, और एक चीज और ऐड करते हैं, वो है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल अगर कम हुई है तो वो ऐड कर दी, क्योंकि गुडविल पैसे से तो कहीं रिलेट नहीं करती ना, हमने पढ़ा है अकाउंट में गुडविल जो है वो तभी काउंट की जाती है जब कोई पार्टनर आता है या जाता है, तो यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। और क्या है, और एक चीज और, क्या एसेट बेचने पर जो नुकसान हुआ वो नुकसान फाइनेंसिंग को इन्वेस्टिंग का है, नीचे का है, यहां नहीं, तू नीचे जा, क्यों? तू नीचे वाले कमरे का आदमी, यहां का नहीं, तो यहां से उसको भगाते हैं, तो लॉस हुआ था तो प्रॉफिट कम हुआ था तो हम उसको वापस से बढ़ा देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, द थिंग्स टू रिमेंबर, क्या कि यहां पर प्लस साइन नहीं लगाना, क्या ना? और एक चीज और है, मैं वो यहां बताता हूं, आपको लिखवा देता हूं, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, वो भी हमने यहां जोड़ दिया। वो क्यों जोड़ी? बोरोइंग क्या है, कहां थी बोरोइंग? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, बोरोइंग फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग है ना, बोरोइंग 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 फाइनेंसिंग है ना, तो फाइनेंसिंग ही है, इसलिए यहां जोड़ो फाइनेंसिंग बनेंगे, जो हमने ब्याज दिया यहां आप ही जोड़ लिया, क्योंकि वो यहां का नहीं है, नीचे वाले कमरे का है, तो नीचे वाले कमरे में जब जाएंगे तब उसको वहां से हटाएंगे, यहां तो आप ही जोड़ लो। इन सबको जोड़ने के बाद जो आया वो लिखा है यहां पर, ध्यान रखना ये लाइन, अगर ये लाइन खिंच गई, इस लाइन का मतलब ऊपर की सारी चीजें ऐड या माइनस हो चुकी हैं, अब ऊपर नहीं देखना, अब फाइनल अमाउंट, जैसे मैंने यहां लाइन खींच दी, इसका मतलब ऊपर की सब चीजों का फाइनल अमाउंट यहां आ चुका है, अब ऊपर वापस नहीं जाना, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चार पांच चीजें हो गई, अब इसमें से लेस क्या करना है, इसको उल्टा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड करा था तो गेन अगर होता है तो वो लेस करना है, ठीक है, सेम वही चीज यहां माइनस करा, ठीक है, चाहो तो आप यहां अंदर माइनस करके टोटल माइनस बाहर निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और इंक्रीज इन पीपीडी हुआ था, डिक्रीज इन पीपीडी हो तो वो माइनस करना। अब हम क्या बड़े हो गए, बड़े होने का मतलब क्या है, हम यहां माइनस के साइन भी लगाएंगे ना ही कहीं और माइनस लिखाएंगे, ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि वो माइनस हो गया, ठीक है, चाहो तो यहां लिखो या चाहो आप यहां लिखोगे, ठीक, आप लोगों की इच्छा, ठीक है। एक चीज और आती है यहां पे, किसी भी तरह की कोई इनकम है, जैसे मैंने रेंट पे दे रखा है कुछ तो वो इनकम आई, ठीक है, या मैंने किसी को लोन दे रखा तो वो इनकम आई, तो वो सब चीजें क्या है, वो यहां की नहीं है, वो इनकम है, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है भैया, तो फाइनेंसिंग में जान दो उसको, यहां मत छेड़ो, ठीक है। तो रेंटल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है मैंने तो डिविडेंड इनकम आई है, ठीक है, अगर इनकम है तो, एक्सपेंस है इनकम तो वो भी क्या होती है, लेस होती है। अब लाइन खींच दो, ये तीनों माइनस करें, इसमें से ये माइनस करा, फिर जो आंसर आया ये माइनस करा, जो आंसर आया ये माइनस करा, ठीक है, या इन तीनों को यहां लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मानो ये आ रहा है 1,00,000, ठीक है, ये आया 5,000 माइनस का, ये आया 10,000 माइनस का, ये आया 15,000 माइनस का, तो टोटल ऐड करा कितना हो गया, 10, 15, 32, 31 माइनस का 30,000 कितना हो गया, ये 70,000 यहां पर आ गया, समझ में आया। अब देखो समझना इस चीज, ये जो आएगा ना उसको माइनस करने के वहां पर लाइन खींच रहा हूं, यानी कि इन चीजों का है, ये हो चुके पहले यहां तक, इन दोनों का यहां, ये जो आया ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
वर्किंग कैपिटल के चेंज होने यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंज होने से पहले जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कंपनी का ही आ चुका है। समझ में आया? वापिस सुन लो इस चीज को, ये हमें याद नहीं करनी है, ये दिमाग से निकाल देना कि ये याद करनी है, बट ये पता होना चाहिए कि ये चीज यहां आती है। हम कैटेगराइज कर रहे हैं, हमने सबसे पहले कैटेगरी बनाई वर्किंग नोट की, ठीक है? तो मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा वो आया प्रोविजन फॉर टैक्स का आता है भाई, वर्किंग नोट में आता है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आगे डेप्रिसिएशन का आता है, ये यहां आता है, इसको क्या नाम दे, ऑपरेटिंग से ऊपर ऐसा नाम दे देते हैं, या नॉन कैश में आता है ऐसा नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दो अपनी इच्छा से, ठीक है? मैंने बोला गुडविल कम हो गई, कहां आती है? नॉन कैश वाले में आती है, ठीक है? प्रोविजन बढ़ गया 30,000 से 35,000 हो गया, 5,000 का आएगा इसमें आएगा, ठीक है? मुझे रेंटल इनकम मिली, इंटरेस्ट मिला, मिला क्या यानी मिला, कहां आएगा? माइनस होगा। कहां पे माइनस होगा भाई? नॉन कैश माइनस होगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, रटना नहीं है, रटने का काम नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये उस क्लास का है, ये अरे ये तो साइंस का है, ये का है, ये कॉमर्स का है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा बंदा फिट हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, अब इससे आगे मैंने थोड़ा सा बताता हूं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है? अब देखो ये कर कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है? इसको वापस लेते हैं यहां पर ऊपर, और कुछ कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो ये आने के बाद क्योंकि हमारा बोर्ड भर गया है तो मैं इसको मिटाता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं, देन वी कम टू नो, ठीक है? यहां से क्या करते हैं वो दम देख, अब देखो हमने इसको वापस ऊपर लिख दिया है, अब हम कहां तक आ गए, हम यहां तक आ चुके, आधे रास्ते आ चुके, अब थोड़ा सा करते हैं, ठीक है? अब भाई वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हमारा इतना था, तो वर्किंग कैपिटल में चेंज करके देख लेते, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, पढ़ा था ना पिछले नहीं पढ़ा गया, पिछला वाला अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंट रेशियो वीडियो देखिए ना, नहीं देखे तो जाके देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है? तो क्या आते हैं हम, क्या कर रहे थे हम, हाँ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में डिफरेंस, सीए माइनस सीए, ठीक है? तो अब यहां पे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस को देखते हैं, और देखते हैं उनमें से क्या एड होगा और क्या लेस होगा। एक चीज देखो, यह बताना, मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि भाई अगर स्टॉक खरीदे तो कैश आया या गया, क्या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, आउटफ्लो हुआ तो कैश फ्लो में से क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस होगा, सीधी सी बात है, माइनस होगा ना, तो माइनस होगा, यानी कि अगर मेरे करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो मुझे उसको माइनस कर देना है, करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज हुआ तो उसको माइनस करो, क्यों? क्योंकि स्टॉक आने की वजह से क्या हुआ, स्टॉक आने की वजह से कैश गया। इसका उल्टा, अगर करंट एसेट्स कम हो रहे, स्टॉक कम हो गए, यानी कि बिक गए तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया तो यहां डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कम कर लो, कम हो रहे हैं तो बढ़ा दो, फिर 2016 में 10,000 अब हो गए 15, 5,000 बढ़ गए करंट एसेट्स, बढ़े ना, पैसा गया, कम कर दो, कम हुए बढ़ा दो। लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा हो रहा है, क्रेडिटर हो रहा है, क्रेडिटर जो मटेरियल मिला होगा पैसा आए होंगे, ठीक है? तो अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको और बढ़ाना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको और बढ़ा देना है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको और कम कर देना है। एसेट्स में अपोजिट होता है, लायबिलिटी में सेम होता है, ठीक है? प्लस प्लस वाले प्लस करके यहां लिखे, दोनों प्लस प्लस वाले जोड़े, दोनों माइनस वाले यहां लिखे, इसमें से इसको हटाया, समझ रहे हैं? वापस समझा रहा हूं, अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो कम कर दो, कम हो रहे हैं तो बढ़ रहे हो, लॉजिक मैंने बता दिया। एसेट जब बढ़ते हैं तो पैसा जाता है, एसेट कम होते हैं पैसा आता है। तो एसेट बढ़ रहे हैं तो कम कर दो, कम हो रहे हैं तो बढ़ लो, लायबिलिटी बढ़ रही है तो और बढ़ाना है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो और कम कर देना। लायबिलिटी कम होने का मतलब जैसे मान लो, देखो देखो हाँ आया दिमाग में, अगर क्रेडिटर कम हो गए 50,000 से 60,000, 60,000 से 50,000 हो गए, यानी कि 10,000 की पेमेंट कर दी मैंने उनको, तो क्रेडिटर कम हुए यानी कि पैसा भी गया, पैसा ही लेके तो जाएंगे वो, ऐसे थोड़े मानेंगे, तो क्रेडिटर कम हुए यानी कि पैसा लेके चले गए, और जब पैसा लेके चले गए तो आउटफ्लो ऑफ कैश लिए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। यहां मैंने सिर्फ करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिखा है, क्वेश्चन में नाम मिलेंगे, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, नाम मिलेंगे, सारे नामों को लिखना, बढ़ रहे हैं तो प्लस, एसेट बढ़ रहे हैं तो कम कर दो, कम हो रहे हैं तो बढ़ रहो, लाइबिलिटी कम हो रही है तो कम करो, बढ़ रही है तो बढ़ो, ठीक है? ये जो आया, ये आया
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज माइनस करनी है, वो क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो बाहर लिखेंगे। बाहर सिर्फ दो तीन चीजें ही आएंगी, बाहर क्या है, हमारी जो मेन हेडिंग थी ऑपरेटिंग वाला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये फर्स्ट एंड द बिगेस्ट, खत्म हो गया। समझ में इस चीज को, यह चीज समझाने वाला हूं, छोटी सी चीज है, बहुत काम की चीज है ये, इनकम टैक्स पेड कहां मिलेगा समझो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था शायद, प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों बनाते हैं, अगले साल टैक्स का जितना पेमेंट करना है उसके लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है, समझना। अगर मुझे बोला है 2016 का प्रोविजन दे रखा है आपको कितना, 50,000, 2015 का प्रोविजन दे रखा है 30,000, इस साल का प्रोविजन कितना है 50,000, कहां आएगा, कहां था प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कहां था, वर्किंग नोट में जाता है ऊपर, वर्किंग नोट। और पिछले साल जो प्रोविजन बना था वो क्यों बना होगा, इस साल के टैक्स के लिए, तो पिछले साल का जो प्रोविजन होगा वो क्या कहलाएगा, इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पेड कहां से लेके आना है, पिछले साल का जो प्रोविजन, करंट ईयर का प्रोविजन वर्किंग नोट में जाएगा, पिछले साल का प्रोविजन इनकम टैक्स में जाएगा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा हमको यहां से निकालना है, क्वेश्चन में अलग से नहीं आएगा इनकम टैक्स पेड इतना है, अगर अलग से आ गया तो, अभी तो मैंने बोला प्रोविजन फॉर टैक्स में से ढूंढना है, अगर अलग से आ गया कि भाई इस साल टैक्स इतना दिया है तो क्या करना है वो भी बताऊं, अभी नहीं, अभी हमने क्या सीखा है कि पिछले साल का जो प्रोविजन है वो टैक्स पेड है, इस साल का जो प्रोविजन है वो वर्किंग नोट में एड होता है, क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ध्यान रखना। अगर ये चीज प्लस की जगह माइनस में आती है तो हम यहां लिखेंगे कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्लस में आ रही है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, माइनस में आ रही है तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग, कोई टेंशन नहीं है, फ्लो भी लिख दो चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन कैश वाला। अब तो थोड़ा सा रह गया, एक फॉर्मेट और खत्म कैश फ्लो, उसके बाद करेंगे हम कुछ इसके क्वेश्चन ही, काफी सारे इसके क्वेश्चन, समझ गए गाइस, बिल्कुल इजी है, बस ध्यान रखो कोई वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए, अगर स्किप हो गई तो गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो, कीप ऑन वाचिंग कॉन्सेप्ट डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com जहां पे जाके आप क्लास 12 की सारी वीडियोस को देख सकते हो। सो